आपका स्वागत है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले खबर की। झारखंड में सूखे के हालात पर चर्चा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। उम्मीद है कि इस बैठक में सरकार किसानों को राहत देने को लेकर ठोस फैसला लेगी। इस बैठक का फैसला सरकार ने मंगलवार को हुई बैठक में लिया। इस बैठक में शामिल सभी विधायकों ने एक सुर में सरकार से सूबे को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। झारखंड से मानसून रूठ गया, लिहाजा सूखे से निपटने के लिए रघुवर सरकार ने बीजेपी विधायक दल की आपात बैठक बुलाई और विधायकों से राय शुमारी की, जिसमें एक सुर से पार्टी विधायकों ने सरकार से सूबे को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। इस बैठक में सभी हमारे जितने एनडीए के माननीय विधायक हैं, सभी लोगों ने एक सुर से कहा कि जो वर्षापात की स्थिति है या फिर खरीफ फसल की जो स्थिति उनके उनके क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है, पूरा राज्य सूखा से प्रभावित है। और सभी लोगों ने कहा कि सरकार काफ़ी संवेदनशीलता के साथ इस विषय को देखे और इस राज्य को सूखा प्रभावित राज्य घोषित करने की दिशा में आधिकारिक रूप से कार्रवाई प्रारंभ करें। जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के बारे में जो समस्या है सुखाड़ का, उसको लेकर ये बैठक रखी गई थी। सारे जनप्रतिनिधि जिस जिस क्षेत्र के विधायक जो हैं वो अपनी बातों को रखे हैं और जितने भी विधायक हैं सभी ने एक स्वर से कहा है कि झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना चाहिए। विधायकों की मांग और सुखाड़ के हालात को देखते हुए 6 नवंबर को मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें कृषि विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। सभी माननीय विधायक और माननीय मंत्री ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और पूरे राज्य की स्थिति का हम लोगों ने आकलन की, जो हम लोगों ने मंगाया था उन आकलन पर चर्चाएं हुई है और क्या हम लोग किसानों के हित में अच्छा फैसला कर सकते हैं, सभी से सुझाव लिया गया। और आने वाले समय में चूंकि आपदा आई है तो आने वाले समय में क्या हम लोग किसानों के बीच राहत दे सकते हैं और कैसा हम लोग अधिकारी योजना बना सकते हैं, आगामी बजट में क्या कर सकते हैं, किसी विभाग का बजट हो, जल संसाधन विभाग का बजट हो, सारे विभागों के बजट को कैसे बड़ा आकार देकर किसानों के बीच में दीर्घकालीन योजना हम लोग बना सकते हैं, इसके लिए एक महत्वपूर्ण आज की बैठक में बातें आई है छनकर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को सुना है। और 6 तारीख को हम लोग एक किसी विभाग की, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक उच्च स्तरीय बैठक में हम लोग बड़े निर्णय लेंगे। सूखे को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की है। अब इंतजार 6 नवंबर का है, जिस दिन उम्मीद है कि सरकार कोई ठोस फैसला लेगी। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो झारखंड में सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। कई अहम एजेंडों पर भी मुहर लगा दी है झारखंड सरकार ने। आपको बता दें, सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जा रही थी और अब जाकर किसानों को राहत देने का फैसला लिया है झारखंड सरकार ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनीष, झारखंड में सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला ले लिया है, इससे किसानों में कितनी उम्मीद जगी है? जी मनीष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, सवाल दोबारा। जी मनीष, झारखंड में सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला ले लिया है, अब इससे किसानों में कितनी उम्मीद जगी है? मनीष देखिए, अगर सुखाड़ को लेकर के अगर हम बात करें तो किसान काफी ज्यादा परेशान है। जिस तरीके से मौसम ने बेरुखी दिखाई है, इस वजह से किसानों के जो कह सकते हैं कि जो पैसे थे, इन्वेस्टमेंट थे खेती के लेकर के, वो पूरी तरह से फंसे हुए, हालात काफी ज्यादा खराब है। और यही वजह है कि कल जब सीएम आवास में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, तमाम विधायकों ने एक स्वर में कहा कि सूबे को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और तत्काल प्रभाव से राहत कार्य शुरू किए जाए। फिलहाल 6 तारीख को हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, जिसमें इसको लेकर के फैसला किया जाएगा। उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि 6 तारीख को सरकार सूबे को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर देगी। साथ ही साथ जो पलामू का जो इलाका है, जो गढ़वा और पलामू का जो इलाका है, उस इलाके को अकाल क्षेत्र घोषित करने की बात कर रही है, क्योंकि वहां पर लगातार पिछले 4-5 सालों से सूखे के हालात है। तो ऐसे में वहां के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि सरकार ने पलामू को क्षेत्र प्रमंडल को लेकर के अलग से अधिकारियों को निर्देश दिए कि वहां के लिए आकलन करें। तो ऐसे में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है या एक नजर देने की कोशिश कर रही है, उससे किसानों में एक उम्मीद तो जगी है, लेकिन इतना ये है कि 6 तारीख को सरकार किस तरह का निर्णय लेती है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि 6 तारीख को सरकार सुखाड़ क्षेत्र सूबे घोषित कर दूंगी। जी जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आप।
तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, प्रदेश को सूखाड़ प्रदेश घोषित करने का फैसला लिया है झारखंड सरकार ने। आपको बता दें, इसको लेकर कई दिनों से मांग जारी थी और अब 6 नवंबर को हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है इसी मुद्दे को लेकर। और यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे।